दोस्तों आज की वीडियो में हम GSTR 2B को देखना और समझना सीखेंगे। दोस्तों GSTR 2B आपके जो भी सप्लायर हैं वो अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बेस पर ऑटोमेटिक तैयार होता है और ये हर मंथ की 14 तारीख को जनरेट होता है। जैसे कि जनवरी मंथ का जो GSTR 2B है वो 14 फरवरी को जनरेट होगा, इससे पहले आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि GSTR 2B को देखना क्यों जरूरी है। दोस्तों जब आप किसी भी पीरियड की अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पर उस पीरियड से रिलेटेड आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो आप उस पीरियड की GSTR 3B में उतनी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे जितनी कि उस पीरियड की GSTR 2B में दिख रही है। इसलिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आप अपनी GSTR 2B जो तैयार हुआ है उसको जरूर देखें अपनी GSTR 3B रिटर्न उस पीरियड की फाइल करने से पहले। अब जानते हैं दोस्तों कि GSTR 2B आप किस तरह से देखेंगे और उसको किस तरह से समझेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट होकर मिलेगा। साइड में एरो इस पर करिए क्लिक तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्वार्टर में आ गए तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक क्वार्टर सेलेक्ट होकर आएगा और इस फाइनेंशियल ईयर यानी हर फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पर जो भी बाई डिफॉल्ट क्वार्टर सेलेक्ट होकर आया उसके बाजू में आपको यहाँ पर एरो मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए तो उस फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर आपको मिल जाएंगे। अब जिस क्वार्टर से रिलेटेड आप जानकारी लेना चाहते हो क्वार्टर यहाँ से कर दीजिए। मैं कर देता हूँ जनवरी टू मार्च क्वार्टर, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जनवरी टू मार्च मैंने क्वार्टर कर दिया। अब आगे पीरियड में, पीरियड में भी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट कोई मंथ सेलेक्ट होकर आएगा, है ना, तो आप क्या कीजिए एरो है इस पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो क्वार्टर आप सेलेक्ट करके आए उस क्वार्टर के तीनों मंथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। क्वार्टर का फर्स्ट मंथ जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर का मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट कर दिया और सर्च पर क्लिक करूंगा तो जनवरी मंथ की मैं अपनी GSTR 2B देख पाऊंगा। फरवरी को सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करूंगा तो फरवरी मंथ की GSTR 2B देख पाऊंगा। लेकिन जब क्वार्टर के लास्ट मंथ को सेलेक्ट करके और सर्च करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, वहां पर क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उस मंथ की मंथली GSTR 2B भी देख पाऊंगा और पूरे क्वार्टर की GSTR 2B भी देख पाऊंगा। जैसे कि जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर है तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर का मैंने लास्ट मंथ मार्च सेलेक्ट किया और सर्च पर क्लिक किया तो मार्च मंथ की GSTR 2B भी मैं देख पाऊंगा और जनवरी टू मार्च क्वार्टर की भी GSTR 2B देख पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से आपको GSTR 2B का पीरियड यहां पर सेलेक्ट कर देना है। अब इस जगह पर आ गए दोस्तों, यहां पर देखिए अब सबसे पहले यहां पर मिलेगा ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B, है ना। तो मार्च मंथ का यानी जो आप क्वार्टर का लास्ट मंथ या जो भी मंथ आप सेलेक्ट करके आए उस मंथ का आपको GSTR 2B देखना है तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो उस मंथ का GSTR 2B देख पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR 2B क्वार्टरली व्यू। अब क्वार्टरली व्यू करना चाहते हैं यानी क्वार्टर का लास्ट मंथ जब आप सेलेक्ट करके आएंगे तो क्वार्टरली भी देख पाएंगे, तो क्वार्टरली व्यू करना है तो आप व्यू पर क्लिक करिए तो पूरे क्वार्टर का आप GSTR 2B देख पाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वार्टरली व्यू देखने करना चाहता हूँ यानी क्वार्टरली GSTR 2B देखना चाहता हूँ जनवरी टू मार्च की, तो व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक, है ना। तो जब आप मंथली को सेलेक्ट करके आए क्वार्टरली को सेलेक्ट करके आए स्क्रीन आपके सामने इसी तरह से अपीयर होगी, है ना। यहाँ पर आपका जो ट्रेड नेम है, आपका लीगल नेम है, आपका GSTN ID शो होने लगेगा। अब यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि इसको आपको किस तरह से देखना है और किस तरह से समझना है। सबसे पहले आएंगे तो स्क्रीन आपके सामने जब इस तरह से अपीयर होगी इसको किस तरह समझेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा पार्ट ए ITC अवेलेबल क्रेडिट मे बी क्लेम्ड इन रिलेवेंट हेडिंग इन GSTR 3B, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी सप्लाई इनवर्ट सप्लाईज ली है उससे जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो यहाँ पर आपको IGST, CGST, SGST और CES के कॉलम में मिल जाएगी यानी कंसोलिडेट जानकारी मिल जाएगी आपको इस जगह पर। इसके बाद इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, इस तरह से आपकी कोई ITC बन रही है तो इसके सामने जो कॉलम है IGST, CGST, SGST, CES के उनमें आपको अमाउंट मिल जाएगा यानी कंसोलिडेट जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज से आपकी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी इसकी मिल जाएगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपकी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है तो ये जो कॉलम्स हैं IGST, CGST, SGST, CES के उसमें आपको अमाउंट मिल जाएगा। 0-0 मिल रहा है यहाँ पर हमारे केस में, तो इसका मतलब इस तरह से हमारी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बन रही है। अब यहाँ पर है अदर्स, तो यहाँ पर आपके सप्लायर ने आपके लिए जो भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि इशू किए होंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे जो केस है उस केस में ये सब 0 आ रहे हैं, है ना, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको देखना है। अब आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए इनमें से किसी से भी रिलेटेड तो उस टेबल के सामने आपको एरो मिलेगा ब्लैक, है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से हमको जो ITC मिल रही थी कंसोलिडेटेड जानकारी उसकी मिल रही है, डिटेल में जानकारी लेना है तो एरो पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे एरो पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर B2B इनवॉइसेस से आपकी जो ITC कंसोलिडेटेड दिख रही थी ना वो आपकी किस किस से बन रही है, तो B2B इनवॉइसेस से ही हमारी सारी की सारी बन रही है ना, तो इस जगह पर हमें दिखाई दे रही है। यदि डेबिट नोट यानी हमारे सप्लायर ने हमारे लिए कोई डेबिट नोट इशू किया था उससे हमारी कोई ITC बन रही होती तो B2B डेबिट नोट के सामने दिखाई दे जाता उसका अमाउंट, ठीक है ना। B2B इनवॉइसेस
अमेंडमेंट यानी आपके सप्लायर ने आपके लिए कोई बी टू बी इन्वॉइस दिया था, आपके लिए आपने उनसे परचेज की थी और आप उनको आपने उन्होंने आपको इन्वॉइस दिया था और उसमें कोई अमेंडमेंट किया है ना, तो वो आपको इस टेबल के अंतर्गत जानकारी मिल जाती। और आपके सप्लायर ने आपके लिए डेबिट नोट इशू किया था प्रीवियस किसी पीरियड में और उसको उन्होंने अमेंड किया है, तो वो जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी ना, तो इस तरह से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसी तरह से जो भी है उनमें आप यहाँ पर ब्लैक एरो पर क्लिक करते जाइए तो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी है ना, अलग अलग जो कॉलम्स हैं उनके अंतर्गत डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर है अदर्स में आ जाएंगे, तो अदर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके सप्लायर ने जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट आदि इशू किए हैं वो आपको इसमें मिलेंगे ना, तो यहाँ पर बी टू बी क्रेडिट नोट के सामने आपके सप्लायर ने कोई भी क्रेडिट नोट इस पीरियड में इशू किया है तो उसकी जानकारी आपको इस जगह पर मिलेगी। बी टू बी क्रेडिट नोट अमेंडमेंट यानी कोई क्रेडिट नोट आपके सप्लायर ने इससे प्रीवियस किसी पीरियड में आपके लिए इशू किया था और उसको अमेंड किया है तो उसकी जानकारी आपको इस जगह मिल जाएगी है ना। इसी तरह से यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी है ना, क्योंकि हमारे केस में इस तरह की कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि नहीं बन रही है तो इस वजह से यहाँ पर सब जीरो हो रहा है ना, तो आपके में अमाउंट हो जाएगा। अब आपको इसमें अंदर जाना है तो क्या करना है, ये देखिए जब आपने टिटेल खोली है तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपको ब्लू कलर में मिल रहे हैं, तो जिससे भी रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है यानी जिसमें अमाउंट आपको शो हो रहा है और उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो उस जो ब्लू कलर में लिखा हुआ उस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे कि हमारी सारी की सारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही थी बी टू बी इनवॉइसेस से बन रही थी, देखिए ये दिख रहा है सामने, तो मैं बी टू बी इनवॉइसेस जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इस पर कर दूंगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने अब इस तरह से अपीयर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर आपको इनवॉइस वाइज जानकारी मिल जाएगी यानी बी टू बी इनवॉइसेस से हमारी जो भी आईटीसी बन रही थी कंसोलिडेटेड जानकारी मिल रही थी, अब डिटेल में हमको ये जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से इनवॉइसेस से बन रही है, वो इनवॉइसेस हमको इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं है ना। यहाँ पर सारे कॉलम है, जीएसटी आईएन भी आपके सप्लायर का मिलेगा आपको, उसका उनका ट्रेड नेम मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू आदि यहाँ पर जो भी है वो सारे के सारे कॉलम के अंतर्गत आपको कितनी टैक्सेबल वैल्यू किस इनवॉइस की, उस पर कितना सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और आईजीएसटी की आईटीसी बन रही है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी सारे के सारे कॉलम में इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है वो मिल जाएगी ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनवॉइसेस वाइज जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, 10 का मतलब ये है कि एक पेज पर आप यहाँ पर यदि हमारे 20 इनवॉइसेस होते तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पेज पर हमको 10 इनवॉइसेस की जानकारी मिलती, फिर यहाँ पर एक के बगल में यहाँ पर दो लिखा हुआ मिलता तो हमें दूसरे पेज पर जाना पड़ता तो दूसरे पेज में 10 और जानकारी मिल जाती। यदि आपके 90 इनवॉइसेस होते, इसमें अगर 90 इनवॉइसेस होते तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ मिलता है ना, तो हर पेज पर आपको 10-10 इनवॉइसेस की जानकारी मिल जाती। लेकिन आप एक साथ सारे के सारे 90 जो इनवॉइसेस हैं उनकी एक साथ जानकारी चाहते तो ये जो 10 लिखा हुआ है इस जगह पर रिकॉर्ड पर पेज, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर 100 कर दीजिए तो पूरे के पूरे 90 इनवॉइसेस आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगे, बार बार आपको पेज बदलना नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कोई भी इनवॉइसेस आपको दिख रहा है यानी इनवॉइसेस बाद जानकारी मिल रही है तो कोई भी इनवॉइसेस दिख रहा है और जिस भी इनवॉइसेस से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो इनवॉइस नंबर के कॉलम में वो जो इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है उसके बगल में आपको ब्लू टिक मिलेगा, उस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे कि ये वाला इनवॉइस है, फर्स्ट इनवॉइसेस है ना, ब्लू टिक है, इस पर मुझे और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ब्लू टिक पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने परसेंटेज का, देखिए यहाँ पर जीएसटी रेट 18% है, टैक्सेबल वैल्यूज हो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट हो रहा है ना, तो यहाँ पर यदि एक ही इनवॉइस में 18% 5% 12% का आइटम होगा तो 18% के नीचे 5% 12% आपको मिल जाएगा और टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में उस परसेंटेज की टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी और जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी शेष आदि है वो आपको इस तरह से जानकारी मिल जाएगी। और इसको बंद करना है तो फिर ब्लू टिक पर क्लिक कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनवॉइसेस वाइज जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपके 20 सप्लायर है ना, और किसी सप्लायर से आपने 10 इनवॉइसेस लिए हैं, किसी सप्लायर के 5 इनवॉइसेस हो रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर सप्लायर वाइज भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सप्लायर वाइज डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर कर दीजिए क्लिक तो आपको सप्लायर वाइज जानकारी मिल जाएगी। अब सप्लायर वाइज जब आपको जानकारी मिलेगी तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी एक सप्लायर से जितने भी आपने इनवॉइसेस लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मान के चलते फर्स्ट सप्लायर है हमारा और इससे यदि मैंने इस पीरियड में 12 इनवॉइसेस लिए होते यानी इस पीरियड में इस सप्लायर के जीएसटी टू में 12 इनवॉइसेस हो रहे होते तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पर 12 लिखा हुआ मिलता है ना और पार्टी के कॉलम में आपको पार्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल देखनी है, जैसे कि फर्स्ट हमारा सप्लायर था इससे हमने यदि 12 इनवॉइसेस लिए होते और उन 12 इनवॉइसेस को मुझे देखना है इसी जगह पर तो पार्टी वाइज भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पार्टी है उसका जीएसटी आई एन आपको इस जगह पर शो रहा होगा, जीएसटी आई एन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप जीएसटी आई एन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जीएसटी आई एन से रिलेटेड यानी उस सप्लायर से रिलेटेड आपको सारे के सारे इनवॉइसेस इस जगह पर देखने को मिल जाएंगे। यदि इस जगह पर इस सप्लायर से हमारे 12 इनवॉइसेस थे तो 12 इनवॉइसेस होते तो यहाँ पर एक पेज के बाद दो नंबर का पेज और भी होता तो दो नंबर पेज पर जाकर हम 10 के बाद
जो भी है वो रिकॉर्ड देख सकते थे ना। और यहाँ पर भी सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी, इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है कितनी है, उसके अलावा CGST, SGST, IGST आदि का कितना अमाउंट है, वो सब जानकारी आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए और लेते जाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सप्लायर वाइज जानकारी भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, समरी पर कर देता हूँ क्लिक, है ना। समरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप उस तरह से सारी की सारी टेबल की जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑल टेबल पर क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पर एरो पर क्लिक किया था उस तरह से यहाँ पर सबकी जानकारी, जैसे मैं ऑल टेबल पर क्लिक कर देता हूँ तो इस जगह पर मैं आ जाता हूँ दोस्तों, इस जगह पर ना, और फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पर समरी में। तो इस तरह से दोस्तों आप GSTR 2B को देख सकते हैं, और GSTR 2B को देखने के बाद जितनी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो आपको देखना होगा। और कुछ इन्वॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपके पास तो हैं, आपने एंट्री कर रखी है लेकिन आपके इसमें नहीं सो रहे हैं, तो उन इन्वॉइसेस की ITC अभी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे जब वो इन्वॉइसेस आपको सो होंगे GSTR 2B में, तब आप उस पीरियड की GSTR 3B में उन इन्वॉइसेस की ITC क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।